हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेली रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। इसे डे बुक बोलते हैं, डे बुक, ठीक है। इसे बोलते हैं डे बुक, जो कि डे बुक बनाने का पर्पज क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। बड़ी कंपनी है आपके पास, ठीक है, तो वहाँ पर कैश में कुछ पैसे आते हैं, कुछ अकाउंट में पैसे आते हैं जो कि साइट पे खर्च करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसका एक हिसाब किताब बनाना होता है, जैसे कि ऊपर में एक हेडिंग डाल देंगे आप डे बुक या फिर डेली रिपोर्ट। यहाँ पे अपने साइट का नाम लिख देंगे, जो भी आपका साइट है, ठीक, और ये कंपनी का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा। इसे हमने इस्टेब्लिश किया है प्राइवेसी के लिए, ठीक है। इसके बाद सीरियल नंबर, एक पर्टिकुलर किसके पास से पैसा आया उसका नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। रेफरेंस नंबर एंड डेट, मतलब इसमें आप ट्रांजैक्शन नंबर भी डाल देंगे अगर अकाउंट में कैश आया है तो, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, कैसे आया अकाउंट में, अगर ट्रांजैक्शन करके आया है, अगर ऑनलाइन आया है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन का कुछ डाल देंगे, जैसे कि गूगल पे से सपोज आया है तो यहाँ पर गूगल पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट अमाउंट कितना आया वो यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे कि आया 50,000 रुपये, ठीक। ये हो गया आपका पर्टिकुलर में पहला। अब इसके बाद क्या है कि आप अगले दिन से खर्च करेंगे, ठीक, अगले दिन से आप खर्च करेंगे तो यहाँ पे आज या फिर इसी दिन से आप अपना खर्चा शुरू कर देंगे। डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए 1/1/9/2020, ठीक है। 1/9/2020 को पैसा आया, अब खर्चा क्या क्या हुआ इस दिन वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो सीरियल नंबर 2, यहाँ पे सपोज साइट पे आया बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर, ठीक है। कितना आया 5 kg आया, ठीक है। तो इसका रेट जो हुआ 350 रुपया हुआ। मोड ऑफ पेमेंट आपने कैसे किया, कैश किया, तो 350 रुपया का ही आया। सेकेंड में आपने क्या कैसा किया, सपोज साइट पे स्टाफ ने नाश्ता किया, ठीक है, तो नाश्ता स्टाफ कैश कितना किया 100 रुपया, ठीक है। तो इसी तरह से चौथा लेबर चार्ज फॉर मटेरियल शिफ्टिंग के लिए आपने लेबर रखा था 2, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब लिख देना है, कितना रुपया उसे दिए 700 रुपये, ठीक है। अब इतना ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आज के डेट को क्लोज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोज, ठीक है, क्लोज लिखेंगे। क्लोज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन को इसे बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से बढ़ा के यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक। अब ये रिसिप्ट वाले अमाउंट में ही क्लोज वाला अमाउंट चला जाएगा। अब क्लोज करना कैसे है, टोटल 50,000 आया, ठीक है, माइनस इस दिन का खर्चा 350 प्लस 100 प्लस 700, ठीक है। तो ये सब जोड़ के 50,000 में माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 1050 अब प्लस 100 रुपये, ठीक है, यानी 1150। तो 50,000 में 1150 जब माइनस होगा तो कितना होगा देख लेते हैं, 50,000 माइनस 1150, ठीक, 10 में से 5 गया 9, 5, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 1 गया 8, यानी 48,850 रुपया। तो यहाँ पे 48,850 रुपया बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट डे में सेम वही काम करेंगे, अगला डेट डालेंगे, जो जो खर्चा करेंगे और उसको जितना खर्चा हुआ होगा, जितना बचा है आपके पास बैलेंस रुपये, उसमें से माइनस करके आप लिख देंगे। तो इस तरह से डे बुक बनता है, ठीक है। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आया तो हम एक्सेल शीट में बढ़िया प्रॉपर ढंग से आपको बताएंगे डे बुक कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं आया है रिस्पॉन्स बढ़िया तो हम एक्सेल शीट पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।